हाँ नमस्कार बच्चों बच्चों, आज जैसे आप लोगों को पिछली क्लास में कहा गया था, अध्याय एक वैदिक गणित, कुछ जगह पे वैदिक गणित की कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी और किसी भी वजह से वैदिक गणित में अगर दिक्कत है तो हम उसको बतौर रिवीजन आज ले रहे हैं। तो जैसा हमारी बात हुई थी आप लोगों से 1.3 के लिए हमने आपसे कहा था, लेकिन कुछ फोन कॉल्स हमारे 1.2 के लिए भी कहा गया, तो 1.2 से ही शुरुआत कर लेते हैं हम। 1.3 भी उसी में हमारे को सहयोग देगी बच्चों। 1.2 से हम ले रहे हैं पेज नंबर 17 निकाल लीजिए, और इसमें विनकुलम संख्या के बाद में सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करने वाले सवाल हैं। निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें विधि नहीं दी गई है लेकिन हम उसमें निखिलम विधि का ही प्रयोग करेंगे, और निम्न का घनफल ज्ञात कीजिए, उसके लिए भी हम निखिलम विधि का यूज लेंगे, और उसके बाद में तो निखिलम विधि से भाग का बोला ही गया है। तो आप निखिलम विधि को थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाने के लिए एक्सरसाइज 1.2 देखिए, एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 17 पे स्थित नौवें सवाल से ही हम चल रहे हैं। सवाल नंबर 9 निखिलम विधि द्वारा गुणा, क्योंकि 9 से 16 तक जो सवाल है उसी पे आधारित वर्ग ज्ञात करने वाले हैं। बस फर्क यह है कि निखिलम विधि द्वारा गुणा में दोनों अलग अलग तरह के सवाल हो सकते हैं। 102, 107 अलग अलग संख्याएं हमें प्राप्त होंगी, 94 × 92, जबकि वर्ग ज्ञात करने में हमारे को दोनों संख्याएं एक जैसी मिलेंगी। आइए नाइन्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 102 × 107। प्रश्न है 102 को 107 से गुणा करना है और सूत्र निखिलम यूज लेना है। निखिलम सूत्र निखिलम, तो बच्चों इसमें क्या है, एक आधार अंक होता है, आधार अंक। आइए हम आपको थोड़ा सा समझाएं आधार अंक क्या है। ये 10 की घात के जो अंक होते हैं ना बच्चों, 10 की घात वाले अंक, जैसे 10, 10 की घात 1, 10 की घात 2 100 हुआ ना बच्चों, और 10 की घात 3 कितना हुआ, 1000, ठीक है। और इसी तरह से एक एक शून्य हम बढ़ा सकते हैं। ये तो हुए आधार अंक। वैदिक गणित में इन आधार अंकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इनके इर्द गिर्द की जो संख्याएं हैं वो बहुत आसानी से गुणा और भाग भी आप लोगों को किया जा सकता है। इस तरह के सवाल है तो हम पहले आधार अंक ले रहे हैं। अब 10 में अगर मान लीजिए कोई संख्या 20 के पास है या 30 के पास है या 40 के पास है, तो वो आधार की जगह उसमें एक उपाधार शब्द आता है, उपाधार, जो आधार का ही कोई गुणज होता है। जैसे 20 10 का डबल है ना बच्चों, दो बार गुणा है ना, तो यहां पे आधार अंक तो 10 कहलाएगा और उपाधार 20 में उपाधार अंक क्या है, 2। कितना, 2। अगर कोई 30 के पास है तो आधार अंक तो 10, आधार अंक 10 और उपाधार अंक 30 हुआ, उसमें 10 का तिगुना है ना, तो उपाधार अंक 3 हो गया, ठीक है ना, और उपाधार क्या हुआ, 30। इसको बोलेंगे हम उपाधार, उपाधार अंक बोले तो 3, जिसका गुणज है उसका एक महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। इसी तरह से 400, 500, 600 वो 100 के मल्टीपल हो गए, 2000, 3000 वगैरह वगैरह किसके गुणज है, 1000 के, तो वो उपाधार वाली चीज हो गई। आइए समझें, 102 × 107। इसमें बच्चों ये देखिए कि ये 102 100 से कितना अधिक है। यहां पे हम आपको बता दें, इस केस में आधार अंक तो हमने क्या लिया, हाँ आधार अंक 100, उपाधार की जरूरत नहीं है,
क्योंकि 100 के बिल्कुल आसपास में है। और एक रही बात विचलन की, सवाल आप लोग उदाहरण में भी देख चुके होंगे, तो यहां विचलन कितना चल रहा है बच्चों? हाँ हाँ, ये 2, ये 7, तो यहां विचलन से ही इनका गुणा संभव है। आपके चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरह के सवाल आते हैं जिसमें 108 को 108 से गुणा करना पड़ रहा है, 107 को 107 से गुणा करना पड़ रहा है, तो इनमें यहां 2 भागों में आंसर प्राप्त होगा, इस भाग में गुणा में और इस भाग में जोड़ के। वो कैसे, ये समझिए। और फिर इसी तरह के सवाल हम मन से देंगे बच्चों, वो आप स्वयं करेंगे तब ये स्ट्रांग बनेंगे आप इसमें। इधर के पार्ट में 2 को 7 से गुणा करेंगे, और चूंकि यहां पे आधार अंक में कितने शून्य है बच्चों? 2। कितने शून्य? 2। इसलिए इस भाग में हम 2 अंकों में उत्तर लेंगे, और इधर में 102 प्लस 7 जो ऊपर की संख्या है इसमें क्रॉस इधर का ये जोड़ दीजिए, 102 प्लस 7। इधर 2 को हमने 7 से गुणा किया तो इधर हमारे पास 14 प्राप्त हुआ, और इधर आया 109। बस ये उत्तर हो गया बच्चों इसका। तो वैदिक गणित से बहुत आसानी से आप गुणा कर सकते हैं। अब इसी तरह के सवाल हम मन से दे रहे हैं आपको। यस, ए बी ये सवाल अभी आप लोग कीजिए, इसी तरह के हम दे रहे हैं। 104 मल्टीप्लाई बाय 109 वैदिक गणित से गुणा कीजिए, और एक इसी के साथ में हम दे रहे हैं आपको 106 इंटू 107 कीजिए। एक मिनट का वक्त आप लोगों के पास में है, दोनों सवाल इसी विधि से कीजिए, उतार भी लीजिए इसे। यस, यस बच्चों, यस 104 इंटू 109 आपने निश्चित रूप से इसका आंसर जो निकाला होगा, उत्तर जो निकाला होगा, 94 जा 36, 9 चौक 36 उधर की तरफ आया होगा, और 104 में जो 9 जोड़े होंगे 113 इधर आया होगा, तो 113 6 इज द राइट आंसर।
और अगर इसका आपने सही से किया है तो 6 7 42, 6 7 42 और 6 106 में 7 जुड़ा तो 113 इधर आया, 11 342। अगर यही दोनों उत्तर हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसमें जो एक दो बातों का और ध्यान रख लीजिए, कुछ सवाल हम और ले रहे हैं इसी तरह के, जिससे आपको वो थोड़ी सी क्लियर हो पोजीशन, समझिए। यस, इसमें सी पार्ट एक और हम ले रहे हैं, सपोज 102 मल्टीप्लाई बाय 102 है, ये वर्ग वाले सवाल आ गए, एक से सवाल वर्ग कहलाएंगे, स्क्वायर कहलाएंगे। तो यहां पे आधार तो वही 100 है लेकिन विचलन में 2 है, तो 2 × 4 जैसा यहां पे अंकों में 100, 2 शून्य है ना, तो उसको हम 04 लिखेंगे। ध्यान रखना दो अंकों में लेना है, दो अंकों में लेना है, अगर 3 अंक आए या 4 अंक आए तो भी 2 अंकों में लेना है, बाकी बचा हुआ पार्ट इधर की तरफ हासिल में आ जाएगा, ठीक है। वैदिक गणित में भी हासिल लगते हैं बच्चों। तो यहां पे ये इसमें जुड़ा 102 प्लस 2, तो ये हुआ 104 102 का गुणा ये हो गया 104 04। और एक और समझ लीजिए डी पार्ट, क्योंकि किसी चीज को बच्चों, नई चीज को अगर आप समझे ना तो पूरा समझिए, अधूरा नहीं। नो नो यस, एक और हम समझा रहे हैं इसी पे आधारित, जिससे आपको वो पोजीशन क्लियर हो। डी पार्ट एक और हम ले रहे हैं, उसमें 112 को 113 से गुणा करना है बच्चों, आधार अंक वही 100 है, 100 के आसपास घुमा रहे हैं हम आपको, विचलन पहले में 12 है दूसरे में 13 है, 12 और 13 विचलन, आइए हम उसके सामने कर दें इसके, 12 और 13, 12 इसका विचलन 13 इसका विचलन, यस। अब हम यहां पे 12 को 13 से गुणा कर रहे हैं, 12 को किससे बच्चों, 13 से, वो 156 156, 3 अंकों में प्राप्त हुआ, तो 3 अंकों में 56 इधर रखना है, 1 हासिल का, वो इधर की तरफ जुड़ेगा जो भी यहां अंक प्राप्त होंगे, तो 112 प्लस 13 है, जैसा आपको अभी बताया 112 प्लस 13 इधर है, 1 हासिल का इधर आ जाएगा, तो यहां पे 125, तो ये जोड़ हुआ प्लस 1 हासिल का इधर आ गया। आपको समझाने के लिए मैं यहां पे प्लस 1 लिख रहा हूं, 56 इधर, डायरेक्ट 126 अगर मैं लिखता, 126 लिखता, हो सकता है हमारे नन्हे मुन्नों में कुछ को समझ नहीं आता, तो ये 115 या 125 यहां से बने, 115 नहीं 125, 125 1 हासिल का इधर आया, तो 126 56 इज द राइट आंसर। और बच्चों सुनो, इसमें अगर ये 1012 1013 होता तो भी सहज भाव से गुणा हो जाता, ठीक है। यस, ये है डी। एक ई और समझा देते हैं आप लोगों को इसी पे आधारित। यस, देखिए यहां तक तो उतार लीजिए आप लोग, हाँ यहां तक उतार लीजिए ना बच्चों, ये ए बी सी डी आप लोगों को क्लियर करने के लिए हम मन से ले रहे हैं। अब की बार मैं 1012 ले रहा हूं, 1012 गुणा 1013, इसे डी तक उतार लीजिए, ई पार्ट हम समझा रहे हैं आपको।
यस बच्चों, ये ई 1000 प्लस 12 है, 1000 प्लस 13 है, तो यहां पे विचलन, विचलन ध्यान से देखिए आप इसको, सूत्र तो निखिलम है लेकिन आधार अंक इस मामले में 1000 है, आधार 1000 है, तो 1000 से इसका विचलन कितना है बच्चों? हां 12 है और इधर 13 है। अब इसमें चूंकि 1000 में तीन शून्य है, तीन शून्य है, तो 12 का 13 से जो गुणा होगा 156 ही यहां आएगा, लेकिन वो 156 स्वीकार्य है, यहां तीन अंक एप्लीकेबल है, और 1012 में हम 13 जोड़ देंगे, 1012 प्लस 13, ठीक है, तो वो इधर 1025 और इधर 156 अब की बार बिना हासिल के एक साथ आ जाएंगे 156, ये दो पार्ट में 156 बिना हासिल के, क्योंकि यहां पे तीन शून्य थे, तो ये सहज भाव से इसमें गुणा हो जाएगा बच्चों। अगर इसी तरह से हम 22 को 23 से गुणा करें और आधार 10 ले और विचलन 12 और 13 ले रहे, तो उसमें हासिल थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, तो ये आप लोग समझ लीजिए ई पार्ट, विचलन के आधार पे, आधार अंक 1000, आधार अंक 1000 उतार लीजिए इसे। एक सवाल के लिए बच्चों, इतने सारे एग्जाम्पल हमने दिए, निश्चित रूप से आप लोगों को काफी कुछ मदद मिलेगी। हम 10वां सवाल अब ले रहे हैं, 94 मल्टीप्लाई बाई 92, 94 गुणा 92। ये देखो बच्चों, आधार अंक यहां पे भी 100 है लेकिन ये 100 से कम है, नेगेटिव माइनस है, माइनस, उनको कैसे करते हैं समझिए जरा, ई पार्ट उतार लीजिए जल्दी से। एक बार फिर से हम याद दिला देंगे, सवाल हम मन से ले रहे हैं, जिनके हम नाम ए बी सी डी वगैरह रख रहे हैं। सूत्र वही निखिलम यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों, आधार जैसा सवाल उसके अनुसार हम आधार यूज लेंगे। 10वां सवाल ये रहा आपके सामने, 94 मल्टीप्लाई बाई 92, सूत्र निखिलम, यस, आधार अंक वही 100, ठीक है बच्चों, उपाधार मानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उपाधार वाले अंक, यहां आधार अंक 100, 94 मल्टीप्लाई बाई 92। अब बच्चों यहां पे अगर 94 होता तो वो वर्ग कहलाता, दोनों तरफ बाण में बाण में होता वर्ग कहलाता, तरीका यही है, उसमें दोनों एक ही अंक होते हैं, यहां आसपास के अंक है। विचलन, इसमें विचलन नेगेटिव में है, यहां माइनस 6, 06 भी लिख सकते हैं आप, माइनस 8, 08 भी लिख सकते हो, माइनस 6 या माइनस 8, आधार में चूंकि दो शून्य है इसलिए दो अंकों में इधर की तरफ संख्या प्राप्त होगी, और इधर में कैसे समझिए, इस पार्ट में माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 और इस पार्ट में 94 में से तिरछा 8 माइनस हो जाएगा, तो इसके 8 माइनस होने पे ये हुआ 86 और इधर ये माइनस माइनस प्लस, 8 गुणा 6 48, बस ये उत्तर हमें प्राप्त हो गया, इधर दो अंक क्योंकि दो शून्य थे, इस तरह से। इसमें भी आप ध्यान रखना बच्चों, तो ये 8648 इज द राइट आंसर। अब सुनो बच्चों, अगर यहां 93 होता ना तो उसमें क्या होता पता है, 7 से गुणा होकर 49 पीछे बनाता और इधर 86 ही आता, यानी इन दोनों के गुणा में 93 के स्क्वायर में से एक ही तो कम है। इन चीजों को आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को कमजोर मत मानिए,
यस, आप मेहनत कर सकते हैं, मेहनत कीजिए। यस, इधर हम कुछ सवाल मन से दे रहे हैं, ई तक हम समझा चुके थे, एफ इसी तरह का सवाल आप स्वयं कीजिएगा, अभी अंतराल हम दे रहे हैं उसमें आप स्वयं करना इसी तरह का। यस, 93 को 93 से आप स्वयं कीजिए। यस, यहां तक तो कीजिए, उतारिए जल्दी से, उतारिए यहां तक। नाइन्टी थ्री इंटू 94। और एक जी हम दे रहे हैं आपको, 91 मल्टीप्लाई 96 कीजिए। बीच के अंतराल में, एक दो मिनट के अंतराल के बाद में इन सवालों के उत्तर लेके पुनः हाजिर होते हैं हम बच्चों।
यस बच्चों, आप में से बहुत से बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। आइए चेक करें, इसमें सात और सात, माइनस सात आपने लिखा होगा, सात गुणा सात 49 और सात इधर से घटाए तो 8649। इसमें और इसमें केवल एक का फर्क है। ठीक इसी तरह से इसका आपने किया होगा, ये 9 कम है, ये 4 कम है, तो 9 चौक 36, पॉजिटिव 36। और इसी में ये 4 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 8736। ये 4 कम है, ये 9 कम है, तो 13 कम हो गए 100 में से। 8736 इज द राइट आंसर। ये वैदिक गणित की निखिलम सूत्र के द्वारा हमने गुणा किया है। अगर यही उत्तर है तो बहुत सही कर रहे हैं आप। अब 11वां 12वां जो सवाल है ना बच्चों, वो उपाधार के कंसेप्ट को आपको समझाएगा। और इसी में अगर बच्चों सुनो, हासिल का मामला चल रहा है ना, तो वो भी हम आपको समझा देते हैं किस तरह का, एक दो और मन से ले लेते हैं। अगर मान लीजिए 99 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, 99 मल्टीप्लाई बाय 99, तो ये विचलन में माइनस एक। अब की बार माइनस एक को माइनस एक से गुणा करने पे एक ही प्राप्त हुआ, लेकिन जैसा हमने आपसे कहा आधार में दो शून्य है ना बच्चों, या आधार में दो शून्य है तो 01 लिखेंगे उससे, 01। ये अंकों का मामला जरूर ध्यान रखना वैदिक गणित में। तो इस तरफ अभी हम अगले कदम पे 01 लिखेंगे और इस जगह पे 99-1, तो 9801 इज द राइट आंसर। यहां दो अंकों में लिखना है, ध्यान रखना। अगर 98 को 98 से करना है 9604, 97 को 97 से करना है तो 3 और 3 6 उधर माइनस हो गए, 9409 इज द राइट आंसर। तो आप थोड़ा सा संभल के चलिए, एक इसी क्रम में ये तो उतार लीजिए एस तक, आई और ले लेते हैं हम, आई वो ले रहे हैं हम 87 मल्टीप्लाई बाई 87। बच्चों इसमें अगर आप 90 उपाधार की तरफ जाएंगे थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, हम 100 से ही कर रहे हैं। यहां पे आधार अंक वही 100 है, आधार अंक वही 100 है, तो यहां पे -13 मल्टीप्लाई बाई -13, और ये 87 में से 13 हमने माइनस किए, 87 माइनस 13 है, तो इधर हमारे को प्राप्त हुआ 74। और इधर में क्या हुआ बच्चों सुन लो जरा इधर ध्यान से, 13 गुणा 13 169। यहां पे वही, चूंकि आधार में दो शून्य है, 69 इधर और एक हासिल का, तो ये एक हासिल का इस 74 में जुड़ जाएगा। ठीक है, एक हासिल का 74 में जुड़ जाएगा, तो हमारे को जो उत्तर प्राप्त होंगे वो 7569 प्राप्त होंगे। ये एग्जाम्पल हम मन से ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा और, चूंकि एक बार हम पहले समझा चुके, बावजूद उसके अगर किसी को समझ नहीं आ रहे तो हम भांति भांति के उदाहरण लेके आपको समझा देंगे। बच्चों चिंता ना करो, गणित की चिंता हमारी चिंता। यस उतारिए आई, एच के बाद में ये आई उतारिए।
यस बच्चों, उतार चुके होंगे आप। अब हम अगले सवाल की ओर, 11वें सवाल की ओर अग्रसर हैं। सवाल नंबर 11 है, उसमें उपाधार का कंसेप्ट है, उपाधार। और बच्चों ये अगला जो सवाल है ना वर्ग ज्ञात करने का, बस इतना ही फर्क है कि उसके अंदर वो दोनों संख्याएं एक सी होंगी। तो ये 9, 10, 11, 12, 16 तक हम जो ले रहे हैं उसी तरह के वर्ग ज्ञात करने वाले सवाल हैं, आसान सवाल हैं। 11वां सवाल 72 × 73। अब अगर इसमें हम आधार 100 लेते हैं ना बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, आधार 100 लेते हैं तो 100 से इसकी दूरी 27 है और इसकी 28 है, तो 27 × 28 करना एक नया चुनौतीपूर्ण काम हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम 70 के आसपास है ना ये संख्या 70, तो उपाधार का कंसेप्ट ले रहे हैं, उपाधार। अब 70 चूंकि 10 का गुणज है इसलिए आधार 10 होगा। बच्चों इस बात को समझ लो आप अच्छी तरह से, 70 रुपए का अगर पेमेंट करना होगा तो 10 10 10 10 10 के उसको हम कितने 7 नोट देंगे, 7 टाइम, वही कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहां आधार बराबर 10 और उपाधार बराबर 10 × 7, 7 × 10 या 7 × 10 या 10 × 7 कुछ भी लिख सकते हैं। यानी हमारा उपाधार जो अंक है ना वो 7 हो गया है, यहां पे उपाधार तो 70 है, 70, 70, 10 का 7 गुणा। और यहां पे क्या है बच्चों, 72 × 73 विचलन, इसका विचलन है 2, इसका विचलन 3, तो इधर 2 किससे गुणा हुआ, 3 से, 2 गुणा हुआ 3 से इस तरफ, और इस पार्ट में 72 + 73 72 + 3। लेकिन बच्चों इसका रोल क्या है उपाधार वाले जो 7 वाले अंक का, तो यहां जो भी प्लस करने पे आ रहा है उसको हम 7 से और गुणा करेंगे, ये ध्यान रखना, ये विशेष बात है। इधर में 3 × 2 = 6 एक अंक है, अब की बार 0 × 6 नहीं लेंगे, 0 × 6 नहीं लेंगे क्योंकि आधार अंक 10 है तो एक ही अंक हमें लेना होगा। यस, और इधर अंदर आया 75, उसको हमें 7 से गुणा करना है तो 525, 525 इधर बना, 525, 6 आगे है, ये उत्तर प्राप्त हो गया। आइए इसका हम आंसर शीट से उत्तर जरूर चेक करेंगे बच्चों, जहां पे भी अगर आपको लगे कॉन्फिडेंस के लिए अपने आंसर जरूर मैच कीजिए। 11वां 52 56, यस 5256, और उससे पहले 10914 हमारा उत्तर आया था, 8648 उत्तर आया था 10वें सवाल का। तो बच्चों ये है उपाधार वाला मामला, फिर से सुन लीजिए, इसमें 70 के करीब है ये, 70 10 का 7 गुना है इसलिए यहां 7 आपको लेके आना है। ठीक है, इसी तरह के और अगर कोई एक दो सवाल हम मन से दें, हम आपको दे चुके बच्चों आई तक, जे एक और कीजिए, इसी तरह का एक सवाल दे रहे हैं हम, 32 × 33 कीजिए, देखें 32 × 33 स्वयं कीजिए आप लोग। और एक और कीजिए जिसमें 75 को 76 से गुणा करना है हमारे को, 75 × 76, निखिलम सूत्र का प्रयोग करते हुए, आधार और उपाधार का कंसेप्ट लेते हुए। यस, स्वयं कीजिए मन से बनाए हुए सवाल, इसे उतार लीजिए और फिर इन दोनों सवालों को खुद करने की कोशिश कीजिए, आंसर हम चेक करवा देंगे।
यस बच्चो, अब तक आप लोग ये वाला सवाल कर चुके होंगे, आइए इसके उत्तर मिलाएं। ये हमारा आधार अंक यहां पे भी 10 है, उपाधार यहां पे 30 है, 3030 जो 10 का तिगुना है, 3 times। तो यहां ये 2 और 3 विचलन हुए, इधर की तरफ 2 × 3 और इधर में 32 को और 3 को प्लस करके 3 से आपने निश्चित रूप से गुणा किया होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों का प्लस करने पे 35 × 3 35 × 3 = 105 और उधर से प्राप्त हुआ 6, तो 1056 जिनका भी उत्तर आया बच्चों बिल्कुल सही है, यस। तो बच्चों ये जब तक मन से वाले सवाल नहीं करोगे ना, कॉन्फिडेंस कम आएगा बच्चों। उसमें तो एक दो सवाल दिए हुए हर तरह के, इसको और समझ लीजिए अंतिम सवाल के रूप में आज के। ये 70 के आसपास में है, यहां पे आधार 10 उपाधार 70 जो 10 का 7 गुणा है, 7 times 8 से भी कर सकते थे लेकिन वो माइनस में आता, तो यहां पे 5 × 6 5 × 6 और 75 में हम 6 प्लस करेंगे और गुणा किससे करेंगे बच्चों, 7 से, क्योंकि हमने यहां पे उपाधार 70 लिया है। तो यहां पे इधर हम कर देते हैं 7 और इधर 81 दूसरे पार्ट में 5 × 6 30 में बच्चों ध्यान रखना एक ही अंक लेना है हमारे को, 3 इधर आएगा, तो इधर में ये 7 × 7 5 6 7 देखो कितना बढ़िया नंबर आया है 5 6 7 और इधर में ये 3 और प्लस हो जाएगा ना बच्चों, इधर हासिल वाला 3, तो यहां पे 570 के आगे 0 लग गया तो 5700 इसका उत्तर होगा, कितना 5700 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये इस तरह के वैदिक गणित वाले जो सवाल जिसमें आप लोगों ने फोन कॉल से बताया कि सर एक बार वैदिक गणित हमारे अर्धवार्षिक के लिए फिर से करवा दीजिए, तो हमने आप लोगों को मन से काफी कुछ सवाल लेके इनको समझा दिया। अगली क्लास में बचे हुए कुछ नए सवाल लेके फिर से हाजिर होंगे बच्चों, नमस्कार।